वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस एमसीक्यू, जिसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद सर्टेन अदर टाइप के एमसीक्यूज भी रहेंगे। सो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नियर अबाउट 50 एमसीक्यू करेंगे। गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द सेशन, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं एक बार देख ले रहा हूँ कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम एवरीवन, जल्दी से लाइक दबा दीजिए और चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लोग एकदम बढ़िया से तैयारी करेंगे, जिससे कि नीट 22 में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। सो गाइस, 22 की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके साथ है विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट। फ्री DPP है ये, मंडे टू थर्सडे मिलेगी आपको एवरी, और 8 नवम्बर से शुरू हो रही है। दिस इज फ्री DPP, नीचे लिंक दी गई है। एंड अगर आप इस बार नीट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी प्लस, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और वहां पे रेफरल कोड सौरव लाइव डालते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ आपको वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स से मेंटरशिप भी मिलेगी वहां पे अनअकैडमी में, अगर आप आइकॉनिक पर सब्सक्राइब करते हो विद द रेफरल कोड सौरव लाइव। और गाइस, आपको पता है कि नीट ड्रीम टीम 10 नवंबर से लॉन्च हो रही है। अलॉन्ग विद दैट 23 के लिए भी बैचेस हैं, पिनाकल एंड जुवेनाइल बैच। तो गाइस चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया गाइस आपके स्क्रीन के सामने। तो गाइस लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कौन कौन आंसर कर रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन गाइस आपके स्क्रीन के सामने आ गया। हेलो, ओके, यस मिल जाएगा, डोंट वरी। यस ऑब्वियसली चांस है, हेल्प द नीडी वन, डोंट वरी। हम लोग वीडियोज में बात कर लेंगे, काउंसिलिंग रिलेटेड वीडियोज आपके लिए जल्दी आने वाली इसी चैनल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। लाइकेंस हो जाते हैं, लाइकेंस लिख लीजिएगा। लाइकेंस जो है ये SO2 सेंसिटिव होते हैं और ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस आ गया आपके स्क्रीन के सामने। क्या सवाल है? ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। तो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट बोला है, मतलब बाय ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होना चाहिए? प्रोकैरियोट्स में जनरली एब्सेंट होता है। जनरली क्या, प्रोकैरियोट्स होंगे तभी उसमें बोला जा रहा है कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो 2 का क्या लगता है? म्यूकर, वॉचेरिया, वॉल्वोक्स, एनाबिना। आई होप आपको पता हो यहाँ पे। यस वेरी गुड, एनाबिना जो जा रही है दिस इज बेसिकली क्या हो जा रहा है, साइनोबैक्टीरिया। यस ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ये किंगडम मोनेरा के अंदर आ जा रहे हैं ना, ये किंगडम मोनेरा के अंदर आ रहे हैं। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा आपसे, आइए रीड करते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे गाइस गलत स्टेटमेंट क्या है? चलिए जल्दी से लगा दीजिएगा गाइस यहाँ पे गलत क्या है। टेक योर टाइम, इसमें गलत बताना है आपको। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या लगता है यहाँ पे, क्या गलत है? एकदम बेसिक है, आराम से रीड करिए और आंसर बताइए क्या लगता है यहाँ पे, क्या होना चाहिए आंसर? थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आंसर आपके स्क्रीन के सामने। ड्यूरोस्पोरा को यस बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, ड्रोसोफिल ऑफ प्लांट किंगडम। मॉरेल एंड ट्रोफिल्स आर नॉट पॉइजनस मैन, ये गलत है। दे आर एडिबल डेलिकेसीज ना, सो दीज आर नॉट पॉइजनस। सो इसमें रॉन्ग क्या है? दिस वन इज द रॉन्ग। तो 3 का आंसर क्या आ जाएगा गाइज? 3 का बी आ जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। ओके, ये तो एडिबल है ना जी। आओ क्वेश्चन नंबर 4 था, आ रहा है गाइस जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, द इम्परफेक्ट फंजाई व्हिच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करते हैं गाइस? इम्परफेक्ट फंजाई जो क्या है, डिकम्पोजर ऑफ लिटर, इम्परफेक्ट। तो याद करिए फंजाई इम्परफेक्ट है, किसको बोलते थे? फंजाई इम्परफेक्ट है, ड्यूट्रोमाइसिटिस को बोलते थे। एग्जाम्पल हो जाता है डी कैट, याद है डी कैट पढ़ रहे थे ना? ओके यस, डी कैट पढ़ रहे थे, क्या क्या था? ट्राइकोडर्मा था, यस वेरी गुड, पॉलिटोट्राइकम था क्या, ऑल्टरनेरिया था क्या? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके स्क्रीन के सामने, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो यहाँ पे कौन आंसर कर रहा है, चलो देखते हैं। तो यहाँ मेवाडा जी ने आंसर लिखा था, यस वेरी गुड, मोनालिसा, ओके कुणाल, चैताली, ओके वेरी गुड मैन। इसका आंसर बताना क्या लगता है, क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का? यहाँ पे मोनालिसा ने बता दिया, और कौन कौन आंसर करे? कुणाल, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे ओके मेवाडा जी ने, KP जी ने भी बताया मैन, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, चैताली ने भी बता दिया, ये तो गलत है ना, क्यों? क्योंकि मोनेरा जो जा रहा है किंगडम, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एबसेंट होता है। शुभम सौरभ जी ने भी बता दिया, तो क्या हो जाएगा मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, क्या सवाल है? नाउ द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स
एंड और होस्ट टिश्यूज आर डैश, क्या हो जाएंगे गाइस? उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया को रॉक्स पे अटैच करने में मदद कर रहे हैं, बैक्टीरिया को रॉक्स पे या टिश्यूज को होल्ड करने में मदद कर रहे हैं, तो दीज आर फिम्ब्रे। यस वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ओके आप आनंद हो, अरे आनंद जी चलिए आइए बताइए। तो इसका आंसर किस किसने दे दिया? यस वेरी गुड, तो 6 का ए मनालिसा, के पी आनंद, वी आर गेटिंग चैताली, क्या हो जाएगा? नॉट होल्ड फास्ट, यहाँ पे हो जाएगा फिम्ब्रे हो जा रहे, राइट है ना? फिम्ब्रे जो है वो होल्डिंग करने में मदद करे, रॉक्स हो गया ठीक है सरफेस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, क्या सवाल है 7 नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट में क्या चीज नहीं मिलेगा? प्रोकैरियन मतलब प्रो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, राइट है ना? प्रोकैरियोटिक सेल, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एब्सेंट होगा। मेसोसोम मिलता है, यस मिलता है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहता है, राइबोसोम 70S, 70S वाला राइबोसोम भी रहता है, तो इसका आंसर आ गया नंबर D7। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? वायरॉइड्स के लिए क्या चीज गलत है? वायरॉइड्स के लिए रॉन्ग क्या है? चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे रॉन्ग क्या है वायरॉइड। ओके वायरॉइड्स के लिए रॉन्ग क्या है? चलो लेट्स सी, यहाँ पे वायरॉइड्स के लिए यहाँ पे किसने आंसर कर दिया? चैताली ने कर दिया, मोनालिसा, केपी, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या गलत है। वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होते हैं, यस वेरी गुड, इनमें सिर्फ आरएनए रहता है, दे कैन कॉज इन्फेक्शन, दे आर स्मॉलर देन वायरस। इनका जो आरएनए है लो मॉलिकुलर वेट का होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? लो मॉलिकुलर वेट का आरएनए, राइट, लो मॉलिकुलर वेट, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द फंजाई इज? ओके आज रात को वैसे 9 बजे क्लास है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ठीक है। ओके क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? ओके ओके क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड देख लेते हैं। यूकैरियोट में मिलता है, यस आनंद यूकैरियोट में मिलता है न्यूक्लियर एनवेलप। 9 का सबने आंसर दे दिया ए, वेरी गुड आंसर, अदीबा ने भी लिखा यहाँ पे। ओके 9 का आप लिखो तो ज्यादा बेटर होगा, राइट है ना? चाइटिन हो जाएगा, चाइटिनस होते हैं, क्यों? फंगस का जो सेल वॉल है इससे बना है, चाइटिन से बना है, क्यों? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल बोथ, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? तो क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, लिख लीजिएगा। माइकोप्लाज्मा में आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है, तो इसका आंसर आ गया नंबर बी, माइकोप्लाज्मा है। और अगर ऑक्सीजन नहीं रहा फिर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन? चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, नॉक्टर्नल में आज यूनिट 8 है आज, हाँ आज नॉक्टर्नल में यूनिट 8 होने वाली है, यूनिट 8 का टेस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन? क्या लगता है चीफ प्रोड्यूसर कौन हो जाएंगे? यस वेरी गुड, अगर आपका आंसर डायटम से तो बहुत ही सही आंसर लगा दिए, 11 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, यहाँ पे दो क्वेश्चन आ चुके हैं क्या? एक सेकेंड देख, ठीक है तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। ओके एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये 12 ऊपर, और ये जो 12 था वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रो कार्योट? सो गाइज यहाँ पे इज नॉट ए प्रो कार्योट, तो इसमें कौन सा प्रो कार्योट नहीं है? ऑसिलेटोरिया, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉफ, ये जो तीनों हैं ये तीनों ही प्रो कार्योट आ जा रहे हैं ठीक है, बट सैक्रोमाइसिस जो है ये क्या है? यू कार्योट, ईस्ट के बारे में बोला जा रहा है ना, तो ये यू कार्योट आ जाएगा ठीक है, फंगस के अंदर आ रहा है, किंगडम फंजाई के अंदर, एंड दीज आर यू यू कार्योट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं, आइए क्या लिखा जा रहा है इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे गलत क्या स्टेटमेंट है आओ पढ़ते हैं ठीक है। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एंड फीडिंग स्ट्रक्चर, स्पोरोजोअन, फिर लिखा माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटिस लिखा है, और क्या लिखा है यहाँ पे आइए पढ़ लेते हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन नंबर ऑफ फंजाई प्लांट, ये सही है। गलत क्या है चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, क्या गलत लग रहा है? 13 नंबर सवाल, इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, यस वेरी गुड लगना चाहिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बेसिडियोमाइसिटिस पढ़ते हैं,
मशरूम्स जो हो रहे हैं वो कहाँ पे रहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, 3 ये बी होगा या डी होगा? सबको पता है ए इज करेक्ट, इज करेक्ट राइट। अब बताइए बी या फिर डी। ठीक है, क्योंकि आपको पता स्पोरोजोअन्स है, एग्जाम्पल आपके पास स्यूडोपोडिया किस में होते हैं, स्यूडोपोडिया अमीबा में मिल रहा था, फॉल्स फीट याद आ रहा है, फॉल्स फीट अमीबा में मिल रहा था। थोड़ा सा आपको खाली बताना है मशरूम कहाँ मिलता है। इतना इतना देखो, अगर नहीं आ रहा है एनसीईआरटी की किताब खोलो अभी के अभी। ओके, बेसिडियो जाओ, एग्जाम्पल चेक कर लो। वैसे मैं आपको एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक बता दूं क्या? चलिए, तो जैसे बेसिडियो आ गया, बेसिडियो में आप लिखो, मैं ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, बापू लिखते हैं, याद आ रहा है? बापू लिखते हैं, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है बेसिडियो के लिए, बापू ब्रिंग बॉल बोलते थे ना, ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट फंजाई आते हैं, पफ बॉल आते हैं और APU आ जाते हैं, राइट? याद आ रहा है? एकदम याद आ रहा होगा ये सब के लिए। अभी इतना इतना में नहीं आ रहा, तब जब अच्छा नहीं लग रहा है जी, तब अच्छा नहीं लग रहा। बापू देखो लिखते ही आ जाएगा, डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ इस पे, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैंने आपको एनसीईआरटी से एक चीट कोड दिया था, चीट कोड अगर आपको याद रहेगा ना, तो एग्जाम में आप एक्सेल करते हो, किंगडम फंजाई के सारे चीट कोड विद सारे एग्जाम्पल। देखो जैसे इसमें बोल दिया इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट क्या होना चाहिए, समय लो और आंसर बता दो, जल्दी से ले लो टाइम, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका आंसर बताइए। क्या लगता है यहाँ पे? देखो पहले भी लिखा है एडिबल डेलिकेसीज वाला है क्या कुछ? ओके, रीड करो और आंसर जल्दी से बता दो, क्या लगता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो फॉर इट, आ जाओ, नहीं नहीं हुआ तो मैं हेल्प कर। यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट, तो ये तो सही एडिबल है इस बार। और क्या लिखा है यहाँ पे? ओके, ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज एंड लॉन्ग, ईस्ट के पास हाइफा होते हैं, बेचारे यूनिसेलुलर है, वो बोलते हैं हम क्या हाइफा लेके क्या करेंगे हम। ओके, ईस्ट बेचारे क्या बोल रहे हैं, भाई हम तो यूनिसेलुलर है, राइट? ओके, ऐसे करके ही आपको क्लियर करना है, एग्जाम में मैं जानता हूँ डाउट्स आएंगे, बट उनको ही तो हटाना है ना आपको, राइट? कोई बात नहीं, आइए मैं आपको फंजाई पे जो हेल्प कर रहा था कर दे रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज यू यू विल से यार भैया हेल्प ही नहीं, ठीक है। किंगडम फंजाई में आपने क्या क्या पढ़ा था? फाइकोमाइसिटिस पढ़ा था, देन उसके बाद और क्या क्या पढ़ा था, एस्को पढ़ा था, और क्या बेसिड, बेसिडियो के एग्जाम्पल क्या क्या थे आपको बताया था मैंने, आपको एगेरिकस मिल रहा था, मतलब मशरूम, मशरूम तो सही था है ना, मशरूम था, याद करो, इसीलिए तो बापू लिखा था। क्यों लिखा था? कि बापू ब्रिंग बॉल में क्या क्या आ जा रहा था, देखो ब्रिंग में आ रहा है ये ब्रैकेट फंजाई आ रहा है, बापू जैसे लिख रहा हूँ APU में एगेरिकस आ रहा है, सिलेगो आ रहा है और ये पक्सीन आ रहा है, राइट? बेसिडियो के अंदर था, कड्डी हो गया था, राइट? और अगर कुछ डाउट हो तो गाइस कमेंट में जरूर पूछिएगा मुझसे, तो इसका भी आंसर डी आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, 15वां नंबर सवाल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वायरस, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के लिए क्या चीज सही है? ओके, दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोट, नो मैन, गलत है ये। ओके, दे हैव फ्री डीएनए, डीएनए तो नहीं था, दे हैव डीएनए, नो, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, तो आंसर आ गया 15 का ए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, 16 में क्या पूछा है? माइक्रोकॉकस बैक्टीरिया आर डैश शेप्ड, माइक्रोकॉकस जो बैक्टीरिया है उनका शेप कैसा हो जाएगा? बेसिक एकदम, टर्म को हेलो 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 हेलो, अच्छा इसका टर्म को पकड़ो और आंसर बता दो, व्हाट यू थिंक इज आंसर ऑफ चॉइस? कॉकस का शेप कैसा हो जाता है? कॉकस मतलब क्या होता है जी? कॉकस मतलब ओके, राजेश कुमार जी ने आंसर दिया, ओके 16 का बताओ, लेकिन होगा क्या? कॉकस मतलब राउंड हो जा रहा है, राउंड होगा नॉट रॉड, है ना, स्फेरिकल, ओवल आ जा रहा है यहाँ पे, उससे मिलता है, यस वेरी गुड, आंसर आ गया यहाँ पे, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर सवाल क्या है? द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई, एक बैक्टीरिया है मूव कैसे करेगा, किसकी मदद से बैक्टीरिया मूव करता है जी? चलो जल्दी से बता दो, यहाँ पे समर जी ने भी आंसर कर रहे हैं, समर अफरीन, ओके 17 का क्या हो जाएगा? फ्लैजेला की मदद से, यस वेरी गुड, बैक्टीरिया का फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, पढ़ा होगा आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में गाइस मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? क्या लगता है आपको मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन? कैन इट ट्रांसफर थ्रू स्पोर्स या फिशन या कोपुलेशन? क्या लगता है? ऑब्वियसली फिशन, बाइनरी फिशन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आंसर आ गया बाइनरी, क्लियर हो गया, थ्रू फिशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्यारे से सवाल आ रहे हैं, मार्क करके बताइएगा, ठीक है, क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? चलिए आइए देखते हैं, लेट्स सी, प्यारे से सवाल करते हैं तुम्हारी स्क्रीन के सामने, ओके ओके ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने, चलिए ठीक है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज डैश, क्या
क्या लगता है यहाँ पे आर्कोल्डर्स क्या क्या कहलाएंगे भाई ये? चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। लेट्स सी, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज सॉल्टी। सॉल्ट मतलब हेलो हो जाएगा। यस वेरी गुड, हेलोफाइल्स बोलते हैं। सॉल्टी एरियाज में जो रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? वो बोलने वाले हैं यस वेरी ओके, सही किया। क्या हो जाएगा? हेलोफाइल्स बोलेंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलोफाइल्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने। टेक योर टाइम, समय लो। ओके, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस में थोड़ा मदद कर सकते हैं ये? यस, क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? जैसे मैंने बताया मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कंटेनिंग पिगमेंट, आंसर आ गया क्रोमाटोफोर्स। कहाँ पे मिल रहा है? साइनोबैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 21। 21 का क्या सवाल है? द गट ऑफ काउज एंड बफेलो पोजेस, गट में क्या होते हैं गाइस? गट। ओके, तो गट में क्या मिलने वाले हैं? मिथानोजन, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मिथानोजन हो जाएंगे। यस वेरी गुड, क्लियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोगैस, में कौन बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता है गाइस? चलिए आइए बताइएगा, क्या लगता है यहाँ पे बायोगैस कौन प्रोड्यूस कर सकता है? चलिए टेक योर टाइम गाइस, आराम से आंसर करिए। बायोगैस कौन प्रोड्यूस करेगा? गो फॉर इट। क्या लगता है गाइस यहाँ पे इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोगैस? आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। एकदम बेसिक है, चलिए मार्क करके आंसर बताइएगा। ओके, गो फॉर इट, गो फॉर इट मैन, क्या हो जाएगा? यस वेरी गुड, जल्दी से बता दो क्या लगता है मैं, बायोगैस कौन बनाएगा? आर्की, यू, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइको। आर्की बैक्टीरिया के अंदर लगाइए क्योंकि वो आर्की के अंदर आ रहे थे। ओके, हार्श कंडीशन में। यस मिथानोजेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्यार से सवाल है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अब क्या लिखे, एक स्टूडेंट है, ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? ए वाटर ड्रॉप अंडर ए माइक्रोस्कोप, ही फाउंड ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल ओवरलैपिंग शेल के जैसा है, ठीक है, सोप बॉक्स में फिट हो गया। तो क्या लगता है यहाँ पे सोप बॉक्स जो फिट हो गया, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? चलिए आइए बताइएगा। क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? चलिए जल्दी से बता दीजिए, व्हाट यू थिंक इज द आंसर ऑफ चॉइस? ओके, बेसिक है, थोड़ा सा ध्यान दो आंसर आएगा, डोंट वरी। और यहाँ पे सोप बॉक्स अपीयरेंस बोल दिया तो वहां से आप लगा सकते हो। यस लगा सकते हो तो कमेंट में बता दो। वैसे 23rd नंबर क्वेश्चन था, 23rd का डी, आनंद, वेरी गुड मैन। ओके, ये शेख हकीबुल जी ने भी आंसर दिया, बहुत सही। आप देखो ऐसे कमेंट करोगे तब तो पता चलेगा दैट यू आर परफॉर्मिंग वेल, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप? ऑयल और सिरप को फिल्ट्रेशन में कौन यूज, क्या चीज यूज करते हैं ये याद करिएगा। इट ऑल्सो एक्ट एज इंसुलेटर फॉर रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा? डायटोमोशियस अर्थ, वेरी गुड। ये डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ये डायटम्स के डिपॉजिट हो जा रहे हैं ना। 24 का सी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। फंजाई शोज आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पोर। ये जो ऊ स्पोर है इसी सेक्सुअल के लिए है, ठीक है, बाकी जो तीनों बच्चा लोग है ये तीनों लोग है ये आ सेक्सुअल के लिए और ये सेक्सुअल के लिए, राइट। तो आई होप आपको आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई लैक सेक्स ऑर्गन? ओके, बट द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमाटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। क्या लगता है ये जो सेक्स ऑर्गन कौन लैक करता है? आप खाली इतना से बता दो। ओके, कौन लैक करता है सेक्स ऑर्गन? नाम बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियो, आई होप यू डू रिमेम्बर ना, पेसीडी होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, ये गंगा ने, चैताली, केपी, मोनालिसा, रिया, ओके, कुणाल, सबने आंसर दिया। चलो यहाँ पे बेसीडियो आएगा। देखो लैक सेक्स ऑर्गन बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो ये बेसीडियो है। अब बेसीडियो का चीट कोड सौरभ भैया ने क्या बताया था? बापू ब्रिंग बॉल। और ये एनसीआरटी में सारा चीज कवर हो गया, आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल, ये बेसीडियो के लिए पूरा एग्जाम्पल। बापू जैसे लिखा, अगेरिकस, पक्सिनिया उस्टीलैगो, ब्रिंग मतलब ब्रैकेट फंजाई, ठीक है, ब्र ब्रैकेट याद रहेगा, बॉल मतलब पफ बॉल, ठीक है। आप देखो आपने सारा एग्जाम्पल याद कर लिया। आप लोग कभी कभी याद रखते हो, सिर्फ बापू याद रखते हो तो उससे ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल मिस हो जाते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे मिस नहीं करने वाले हो, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल को कतई मिस नहीं करने वाले हो, राइट। आई होप मजा आया हो। चलो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नाउ ओके, एक और प्यारे से सवाल आ रहा है। चलो और एक और चीट कोड बता दूं, एस्कोमाइसिटिस का भी बता दूं क्या? चलो
चलो एस्कोमाइसिटिस भी लिख लो। अब आप इतनी मेहनत से आए हो, क्लास ऑन किया है, एस्को का भी लिख लो। एस्को के लिए जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना, एज यू कैन पेन मोर ट्रूथ, ये क्या हो गया, मतलब जोक चल रहा है। एनीवेज, एज यू कैन पेन मोर ट्रूथ, तुम पेन से और ज्यादा सच्चाई लिख सकते हो, पेन डाउन कर सकते हो। चलो इसका मीनिंग क्या हो जा रहा है, एस्कोमाइसिटिस आ रहा है, वाई ओके, अभी टर्म्स पकड़ते रहना, वाई ओके, सी ए एन क्लैविसेप्स, यस वेरी गुड, एस्परजिलस आ रहा है, न्यूरोस्पोर आ रहा है, ओके पेनिसिलियम वाला आ रहा है, मॉरेल आ रहा है, ट्रफल आ रहा है, राइट। तो ये क्या आ गया, एस्को के लिए आ गया, ऑप्शंस याद नहीं, एनीवेज चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, 27 वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, इसके लिए भी एग्जांपल याद रखो। चलो पहले ये वाला रीड करिए, ओके क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, चलो जल्दी से रीड कर लो मैन, व्हाट यू थिंक इज द आंसर ऑफ चॉइस, रीड मार लो एक बार। Which of the following class of fungi is being described by the given statement? क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन से फंजाई? तो यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लो आप, इसके लिए परम याद रखते हो, परम ओके, पीराम पिरम पिरम, पी आर ए एम, राइजोपस एल्बिगो एंड म्यूकर, तो फाइकोमाइसिटिस हो गया, फाइको हो गया, तो ये कितना नंबर है, 27 नंबर। ये एस्को नहीं होगा, अरे ध्यान दो, एस्को कहाँ से होगा, परम चीट कोड याद रहेगा, ओके पी आर ए एम, ओके क्लियर, तो फाइको हो गया। ऐसे चीट कोड याद रखोगे ना तो एग्जाम में आप लिटरली परफॉर्म बढ़िया करने वाले हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चलिए मार्क करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, लेडर वॉट एंड विनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ओके ब्लैडर वॉट एंड विनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या हो जाएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ऑब्वियसली इंसेक्टिवोरस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अब यहाँ पे आपको मस्त मैचिंग करनी है, तो चलो अब मैचिंग करते हैं, लेट्स सी, ओके सेलेक्ट द करेक्ट मैच, क्वेश्चन नंबर 29, 29 में मैचिंग करनी है, चलो आराम से। प्लांटी के अंदर क्या हो जाएगा, किंगडम प्लांटी के अंदर एल्गी हो जाते हैं, ठीक है, फंजाई के अंदर फाइकोमाइसिटेस, प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिनोइड्स, मोनेरा आर्की बैक्टीरिया, मैच हो गया, शायद ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से अब निकाल सकते हो, ठीक है। 29 का सबने कमेंट किया है, यस वेरी गुड, अनालिसा, रिया, चेताली, गंगा, समर, आफरीन जी, कुणाल, वी आर गेटिंग आनंद, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, नाउ क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, ए वायरस कैन बी कंसिडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कंसिडर किया जा सकता है, यस वेरी गुड, राजेश कुमार, शेख हकीबुल, मोहम्मद जावेद, बहुत सही, ओके इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिविंग, याद करिए वायरस जो है सिर्फ होस्ट सेल के अंदर जाके ही रेप्लिकेशन, मतलब अपने रिप्रोडक्शन कर सकता है, बाहर पे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बिकॉज इट कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट, क्या हो जाएगा, इनसाइड द होस्ट, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 31 में देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, का मतलब है बाकी सारे वायरल डिजीज है। चलो फिर आओ देखते हैं यहाँ पे कौन आंसर कर रहा है सबसे पहले, 31 का, चलो हम फर्स्ट करो जल्दी से, क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओके मोहम्मद जावेद जी ने आंसर किया है, चैताली ने किया, अनालिसा, ओके गंगा, बहुत सही, समर आफरीन, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, एड्स के लिए तो एच आई वी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस, ओके मम्स, ओके पढ़ा है मम्स के लिए, पैरामेक्सो सुना होगा, ओके नहीं सुना कोई बात नहीं, मम्स के लिए वायरल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए हो जाएगा वेरियोला, वेरियोला होता है जूडा जोस्टर, एनीवेज हर्प नहीं, वेरियोला हो जाएगा, इसके लिए खाली वेरियोला याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे। हर्पीज के लिए हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा बाई इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, कोलेरा बाई विब्रियो कोलेरी, दिस इज बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है चलो कोई नहीं, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरियल हो जाएगा ना, ओके कोलेरा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 32, सिलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन, सिलिएट्स जो हो रहे हैं मतलब ऑर्गेनिज्म हैविंग सिलिया, वो कैसे डिफरेंट है अदर प्रोटोजोअन से, चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, अदर प्रोटोजोअन से वो कैसे डिफरेंट है, अदर प्रोटोजोअन से समय लीजिए आराम से और बताइए क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, अदर प्रोटोजोअन से कैसे डिफरेंट है वो, बिकॉज उनके पास दो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लिया, यस वेरी गुड, ठीक है। सो आंसर आ गया 22 का डी, 32 का डी,
33, 33 अमीबा, अमीबा कैप्चर फूड, अमीबा अपना खाना कैसे पकड़ता है गाइस? पॉल्स फीट के द्वारा। यस वेरी गुड, 33 का आंसर आ जाएगा स्यूडोपोडिया, पॉल्स फीट। क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट ए पैरासाइट, इसमें से कौन सा पैरासाइट नहीं है? 34 नंबर में पूछा गया है, इसमें से कौन पैरासाइट नहीं है? क्या लगता है इसमें पैरासाइट कौन नहीं है गाइस? चलिए जल्दी से ताला लगा दीजिए, यहाँ पर पैरासाइट कौन नहीं है। टेक योर टाइम, आराम से रीड करो और आंसर बता दो, क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? नाउ जल्दी से बोल दीजिए, नाउ क्या लगता है यहाँ पे? ओके बेसिक है, आराम से देखिए और आंसर बताइएगा क्या लगता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नॉट, बोला गया है नॉट में, आंसर है यूग्लिना, ताला लगा दीजिएगा, बाकी तीनों पैरासाइट्स हैं। यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल के बीच कौन कनेक्ट कर रहा है? यूग्लिना कर रहा है। ओके सम प्लांट लाइक एंड सम एनिमल लाइक फीचर्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ऑर्गेनिज्म दैट कॉज अकरेंस ऑफ रेड ओशनिक टाइड, रेड टाइड्स, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट में एक एग्जांपल गोनेलैक्स, गोनेलैक्स सुना था आपने, है ना? तो डायनोफ्लैजेलेट 36 का। 37 नंबर सवाल आ गया, 37, किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन्स, किंगडम प्रोटिस्ट जो जा रहे हैं इस प्रोटिस्ट के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटिस्टा को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस, राइट, है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, चलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा डिजीज कॉज होता है? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या लगता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा ऐसे कौन सा डिजीज कॉज होता है? जल्दी से ताला लगाइएगा। ओके सिट्रस कैंकर, मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस, टाइफॉइड एंड इन्फ्लुएंजा, क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए गाइस? तो आपको आइडिया है मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस जो है ये प्रोटोजोन डिजीज बेसिकली है, ठीक है? तो ये बेसिकली बैक्टीरियल नहीं है, राइट, है ना? अब इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो बचा दिस वन एंड दिस फेलो, दीज आर टू फेलोज, बोथ वन एंड थ्री, आंसर आ गया बोथ वन एंड थ्री। आई होप आपको समझ आया हो ये। यस वेरी गुड, तो आंसर आ गया नंबर सी, अदीबा ने आंसर किया, शुभम सौरभ वेरी गुड, चैताली रिया, देबोश्मिता, यस वेरी गुड, देबोश्मिता ने नाम भी लिख दिया, जैंथोमोना सिट्री, बहुत सही। ओके वी आर गेटिंग आनंद, राजेश, ओके ओके ओके, एंड ये वाले का टाइफॉइड के लिए भी लिख दिया, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, इससे रिलेटेड एक फेमस कुक है, नाम क्या था याद है आपको? मैरी मेलॉन, आई होप यू डू रिमेम्बर थोड़ा थोड़ा सा, मैरी मेलॉन। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, वेरी गुड मैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 39 में व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट इन दिस क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर, अभी अभी बताया बैक्टीरियल डिजीज है, यस वेरी गुड, बैक्टीरियल डिजीज, जस्ट अभी अभी ये बताया था ना, 12 बजे क्लास होगा ना? हाँ, 12 बजे क्लास होगी जावेद जी, और 9 बजे भी क्लास है वैसे आज, 9 PM पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वन अकेडमी पर होगी, फ्री क्लास है, ऊपर प्रोफाइल की लिंक दी गई है, देखो पिंड मैसेज में चेक कर लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्या सवाल है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, अब छोटा करते हैं, एक सेकंड, अभी दिख पा रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या सवाल है, मार्क द रॉन्ग, रॉन्ग क्या है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए, गलत क्या है, गलत गलत स्टेटमेंट क्या है? चलिए बताइए गाइस यहाँ पे गलत क्या है। ओके आ जाओ यहाँ पे गलत क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया डिपेंड अपन ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर, नो गलत, यही तो गलत है, वो तो इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे फूड बनाते हैं, इनऑर्गेनिक से, है ना? ये तो गलत हो गया, सो दिस वन इज गलत, तो ताला लगा दिया जाए क्वेश्चन नंबर 40 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, 41 में क्या पूछा है दोस्तों आपसे, हेट्रोसिस्ट के बारे में पूछा है, हेट्रोसिस्ट कहाँ मिलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट, एनाबेन एंड नॉस्टॉक हो जाएगा, 41 का ए लगा दिया, देखो कितने आसानी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, 42 में क्या पूछा है, थियोडिनर, ओके डिस्कवर्ड इन न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड ऑफ द फॉलोइंग फीचर, ठीक है? पीएसटीडी करता है, पीएसटीडी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिनर पढ़ लिया तो आंसर वायरॉइड्स अपने आप आ जाएंगे, शायद और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है?
तो ये क्या क्या इनके पास फ्री आरएनए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए इज लो, यस वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर सवाल, क्या सवाल है 43 गाइस, आइए रीड करिए। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड एज डैश, फंगस और एल्गी के बीच पूछा जा रहा है। माइकोराइजा किसके बीच होता है, हायर प्लांट और फंगस के बीच होता है, हायर प्लांट एंड फंजाई। तो इसका आंसर आ जाएगा लाइकेंस, क्योंकि फंगस और एल्गी के बीच लाइकेन हो जा रहा है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर सवाल, लाइकेंस इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे, लाइकेंस क्या करते हैं गाइस, चलिए जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाते हैं यार लाइकेंस। ओके वेनिला ने भी आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, वेनिला जी, रिया, वी आर गेटिंग, मोहम्मद जावेद, राजेश कुमार जी, गॉड, KP चैताली, वेरी गुड मैन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लाइकेंस इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे, क्या लगता है, व्हाट यू थिंक इज द आंसर ऑफ चॉइस। ओके तो एसोसिएशन, नो ये कोई कारण थोड़ी है जो SO2 पोल्यूशन, क्यों, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू SO2, ये ग्रो नहीं कर पाते हैं ना SO2 रिच एनवायरमेंट में। नाउ अब एक मैचिंग आ गई है, मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 45, 50 सवाल करेंगे जिसमें हम लोग अभी 45 पे हैं, ठीक है। ओके चलो क्या चीज पूछ रहे हो यादीबा, आप जरूर पूछेगा। अभी क्लास रात 9 बजे बायोलॉजी की ही क्लास है, बायो की रात 9 बजे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रात 9 बजे, अन अकेडमी के ऐप पर है, प्रोफाइल की लिंक ऊपर पिंड है, चेक कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पे लिखा गया बहुत कुछ, सिंगर निकोलसन 1972, फ्लूइड मोजैक मॉडल, ये मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट। ओके तो डी का वन हो जाएगा, डी का वन यहाँ दिया और यहाँ दिया है। बॉयर और कोहेन क्या चीज से रिलेटेड है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से रिलेटेड है, यस वेरी गुड। सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी का टू होना चाहिए, सी का टू नंबर बी वाले ऑप्शन पे दिया है, ताला लगा दीजिए दोस्तों, इंतजार किस बात का है, आंसर आ गया नंबर क्लियर 45 का। और नेक्स्ट ओके सर, ओके यस वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं, डाइकारियन, अब देखो डाइकारियन आपको फंगस किस किस में है आप याद रखते हो, डैब, DAB डैब, एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस में क्या होता है, डाइकारियन में जब दो हैप्लोइड सेल क्या हो जाते हैं, फ्यूज नहीं होते इमिडिएटली, तो वो क्या बना देते हैं, डाइकारियन, राइट, है ना, इमिडिएटली फ्यूज, नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 46 का। 47 नंबर सवाल क्या है, 47 गाइस आइए रीड करते हैं, एसोसिएशन बिटवीन, वेरी गुड मैन, बहुत सही आंसर चल रहा है, वी आर एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायंट एंड फाइको। अब देखो माइको क्या बोल रहे हैं, माइकोज और फाइको, तो माइकोज मतलब क्या हो जा रहा है, फंगल कंपोनेंट, फाइकोज मतलब एल्गल कंपोनेंट। ओके एल्गल और फंगल मिलके क्या चीज में आ रहे होंगे, लाइकेंस में आ रहे हैं, यस वेरी गुड, आ गया आंसर 47 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विथ रेस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है। ओके करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे क्या लगता है, करेक्ट सीक्वेंस KM हो जाता है, यस वेरी गुड, प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी एंड मियोसिस, आंसर आ गया नंबर सी 48 का, PKM, राइट। नीट 22 कब होगा, ओके देखो अभी तो एज ऑफ नाउ लग तो रहा है कि वापस से अपना बैक ऑन ट्रैक जो नीट होता था वैसे आ जाएगा, ठीक है, हर बार इतने पे नहीं होगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, लेट्स होप कि अब ये बस हो ही जाए, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 49, 49 क्या सवाल है, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लीकेट देम सेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग, वायरस किससे बिलोंग करते हैं, हेलो हेलो हेलो, अब ये बता दो क्या लगता है, वायरस किससे बिलोंग करते हैं, ओके ओके 49 नंबर, क्या लगता है कि गाइस वायरस किससे, किसी से बिलोंग नहीं करते, ये बोलते हैं हम किसी किंगडम के नहीं है, हमें रखा ही नहीं गया, निकाल दिया गया, किसी किंगडम में हम नहीं है। ओके RH वे टेकर के क्लासिफिकेशन में, 49 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर सवाल है, विच हेलुसिनेशंस कॉज करता है कौन सा इसमें फंगस, आंसर अमानिता मस्कैरियाना, मस्कैरिन ये सब इसके हैं के कंपाउंड्स, तो इसका आंसर आ जाएगा अमानिता मस्कैरियाना, राइट, इसका आंसर आ गया नंबर बी, मैंने खुद ने बता दिया एनीवेज। क्वेश्चन नंबर 51, माई फेवरेट क्वेश्चन, लास्ट सवाल तो बढ़िया आना चाहिए था ना दोस्तों, तो यहाँ पे बोला आपको बताना है इनकरेक्ट कौन से है, यहाँ पे एक सेट चूज करना है, ठीक है। ओके चलो आ जाओ, अरे श्योर श्योर आनंद, एकदम हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो होंगे क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा भी, तो चलो
दिवाली स्पेशल भी सोच रहे हैं करें क्या, दिवाली स्पेशल भी ज्यादा एमसीक्यूज देखते हैं, प्लान कर रहा हूँ मैं अनअकैडमी के ऐप पर जैसे लास्ट ईयर किया था दिवाली स्पेशल, अगर मौका मिले तो इस बार भी करते हैं, क्या बोलते हो? हेलो आओ, हेलो एम फॉर एम्स, एनीवेज चलो ये देखते हैं इसमें क्या चीज गलत है, एक एक करके पढ़ेंगे। मिथानोजेन सर यू बैक्टीरिया, नो दे आर आर्की बैक्टीरिया, तो पहला गलत है। नॉस्टोक इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, फिक्स इज एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, सही है। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हेटरोट्रॉप नहीं बोला जाता, ऑटोट्रॉप है ना, केमोसिंथेटिक है ना, ऑटोट्रॉप्स, तो ये गलत है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, आपको इनकरेक्ट सेट है, तो 1 और 3 इनकरेक्ट है, तो आंसर आ गया नंबर डी, क्लियर हो गया ये वाला। इस कल भी हम शाम 7 बजे मिलने वाले हैं, 50 के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे प्लांट किंगडम के, मिस मत करना ठीक है, प्लांट किंगडम के 50 के ऊपर करने वाले हैं। एंड गाइस अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो फ्री में, एंड आप भी चाहते हो कि बायो में 360 एकदम ले आए इस बार नीट 22 में, आपके भी आ सकते हैं, आपसे जो सीनियर्स हैं उनके ऑब्वियसली आए हैं इस बार ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करो, नॉकटर्नल मिस मत करो, फ्री सेशन होती है, फ्री सेशन से भी बच्चे लेकर आ रहे हैं मार्क्स, इनफैक्ट प्लस से और फ्री दोनों के ही हैं। जल्दी ही उनके साथ भी कुछ वीडियोज आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।